हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पॉसिबल। मेरा नाम रेखा है। जैसे कि आपको नाम से पता ही लग गया होगा कि हम यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बात करने जा रहे हैं, मतलब हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश में इंग्लिश बहुत ज़रूरी बन चुकी है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जिसे इस भाषा का ज्ञान ना हो उसे पढ़ा लिखा समझा ही नहीं जाता। तो इस रेस में हम क्यों पीछे रहे? तो चलिए आज हम मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप माइंड मत कीजिएगा। अगर आपको कुछ पसंद ना आए तो आप कमेंट करके मुझे ये बता सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स ए बी सी। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Z को कई लोग Z भी बोलते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन मैं यहां इसे जेड ही बोलूंगी। यहां जैसा कि आपने देखा कि हमने बिल्कुल शुरुआत से इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करी है। ये एबीसी इंग्लिश के अल्फाबेट्स कहलाते हैं। जैसे हिंदी में अक्षरमाला या वर्णमाला होती है, ठीक वैसे जैसे हिंदी में कुछ अक्षर स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन, उसी तरह इंग्लिश में भी कुछ लेटर्स यानी अक्षर वॉवल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। वॉवल्स मतलब स्वर, जैसा कि मैंने अभी बताया, और कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। तो आइए जानते हैं इस एबीसी में कौन से शब्द वॉवल्स हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स, सॉरी अक्षर, क्योंकि शब्द तो अक्षरों के मेल से बनते हैं। सो वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू। प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर मैंने कैपिटल लेटर्स में एबीसी लिखी है और यहां मैंने छोटी एबीसी इस्तेमाल की है। इन्हें मैं बड़ी कैपिटल में भी लिख देती हूं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांच स्वर वॉवल्स कहलाते हैं, ठीक है। और बचे हुए 21 शब्द कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इंग्लिश के इन अक्षरों को लेटर्स कहा जाता है, ठीक है। और ये लेटर मिलकर शब्द यानी वर्ड बनाते हैं। ये वर्ड आगे चलकर सेंटेंस फॉर्म करते हैं, मतलब वाक्य बनाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं? अनुच्छेद, मतलब पैराग्राफ। जैसे हिंदी लैंग्वेज में
मात्राएं लगाकर शब्दों को रूप दिया जाता है, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग वॉवल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से वॉवल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइए हम कुछ एग्जांपल्स। उदाहरण, ठीक है, चलिए हम पहले हिंदी का कोई शब्द लिखते हैं, लाइक माला। यहां हमने माला लिखने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया है? स्वर और व्यंजन का। ठीक है, म व्यंजन और मात्रा स्वर, आ की मात्रा, म को आ, ल को आ, ये बना माला। इसे हम अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? M A L A, माला। उसी तरह अगर हम किसी का नाम लिखना चाहते हैं, लाइक मेरा नाम रेखा, यहां हमने दो मात्राएं इस्तेमाल करी है, ए की मात्रा और आ की मात्रा, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आर ई के एच ए। यहां पे ई और ए ये दोनों वॉवल्स हैं, इन दोनों ने ए और आ की मात्रा का इस्तेमाल हमने ई और ए के रूप में किया है। और ये दोनों व्यंजन हैं, ये हमारे र और ख को शो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी वर्ड्स को भी वॉवल्स की सहायता से लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वोकैबुलरी के बारे में जानेंगे। वोकैबुलरी मतलब शब्द कोश। जितना बड़ा हमारा शब्द कोश होगा उतनी ही आसान हमारे लिए इंग्लिश भाषा बनती जाएगी, क्योंकि किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें उसके शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।